Assalamu alaikum, my dear students, my dear professionals. We have started learning a concept from the last session. And the concept is so important, not only in the organizations and the firms. In fact, it's important even at home, in families, in markets. May it be a public entity or a private entity. For profit, not for profit, wherever people will be interacting, wherever they will be dealing and discussing and dialoguing, going through a discourse, there will be issues, there will be conflicts, there will be concerns. So the question is, and we are trying to find the answer. इफ द कंफ्लिक्ट आर इन एविटेबल यह तो इसको लर्न कर लीजिए ना कि जब लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट विल बी देर देर आर सिचुएशंस इन विच यू विल डिसग्री हैव ए डिफरेंट ओपिनियन हैव ए डिफरेंट कंसर्न इसीलिए हमने जो एक्सरसाइज भी असेसमेंट के परस्पेक्टिव में जो टूल आपसे रिमेंबर दो फिफ्टीन स्टेटमेंट्स विच आई नरेटेड उसकी भी मैं बात अभी करता हूं लेकिन एक चीज नोट कर लीजिएगा कि ये बहुत अहम एरिया है और लर्न करने के बाद नंबर वन एट पर्सनल लेवल हाउ कैन यू कम अप विद दो स्ट्रेटजीज विच कैन गिव यू पीस ऑफ माइंड Which can make you satisfied, create less stress. So that's why we're trying to learn when conflicts are there, so then is it people focus or is it an issue focus? Is it a relationship oriented or is it a problem oriented? Isko aap resolve karenge? Resolve the honai. Because if you will not be able to manage and you will be not be able to resolve, it will create stress. It will create problems. It will create heat. It will create fire. It will be, just a last time tha, a scene which you may not like to see in public or at home. तो फिर हम कैसे इसको मैनेज करें मैनेज तो हमें करना है और मैनेज भी इस तरह से करना है कि गिलास भी बच जाए दिल भी टूटने से बच जाए बॉडी पर एक्स्ट्रा हीट और ब्रेन पर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग का इफेक्ट भी ना हो और माई डियर स्टूडेंट्स इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाए मुश्किल है देर इज नो सिंगल रेसिपी बट बिलीव मी वंस यू नो एंड यू फील दैट यू हैव दवेयरनेस इट बी एट होम और इन द ऑफिस और इन द मार्केट यू विल बी एबल टू बेटर रिजॉल्व इट यही मेरा कंसर्न है यही मेरा फोकस है और इस किताब का भी यही फोकस है लेकिन नेचुरली कल्चर्स आर डिफरेंट सिचुएशन आर डिफरेंट तो वीर ट्राइंग टू लर्न व्हाट कुड बी डिफरेंट सिचुएशंस। तो हमने कहा नंबर वन प्लीज रिजॉल्व कीजिएगा मालूम कीजिएगा इज इट ए पीपल फोकस इश्यू फोकस ऑफ कंफ्लिक्टज इट रिलेशनशिप इज इट अ पर्सन जैसे हमने कहा ना अली है रशीद है फातिमा है अरलान है सेप्शंस का इशू है या एक्सपेक्टेशंस का इशू है सी द डिफरेंस नाउ दिस एक्सपेक्टेशन डिफरेंस कुड बी ऑफ द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द आउटकम लेवल ऑफ द सेल्स लेवल सेल्स टारगेट लेवल ऑफ द ऑपरेशनल आउटकम लेवल ऑफ द क्वालिटी लेवल ऑफ द एक्सपेंस लेवल ऑफ द कैश

तभी तो प्रोफेसर हर्बर्ट सामिन कहता है ना कि भाई इवन इफ यू आर बिकमिंग रैशनल यूर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्टिव एविडेंस बट स्टिल थिंक ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी परस्पेक्टिव आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी या मुझे कहने दीजिए कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है जानबूझकर। अच्छा ऐसा भी होता है हां होता है तो काइंडली लर्न कीजिएगा अब मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता कि पर्सनैलिटीज आप पढ़कर रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज बट पीपल इशू पीपल फोकस मिस इंफॉर्मेशन अच्छा वो ग्रेप वाइन का कॉन्सेप्ट तो आपने याद है ना ओबी में आपने पढ़ा होगा जानबूझ कर मिस इंफॉर्मेशन दी जाती है अब ये मुझसे ना पूछिए कि क्यों दी जाती है देर कुड बी डजन ऑफ आंसर्स प्लीज वेन देर विल बी मिस इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताइए तो इश्यू तो फिर पीपल फोकस हो गया ना कंफ्लिक्ट होगा और इज इट असरिप्रेजेंटेशन मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ योर व्यू प्वाइंट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्टेटमेंट बाई समबडी एल्स कंफ्लिक्ट भी होगा ना आप कहते ना मैंने तो नहीं ऐसा कहा मैंने तो नहीं ऐसा देखा मैंने तो नहीं ऐसा फील किया आपने फील किया या नहीं किया देखा या नहीं देखा इशू तो बन गया ना कंफ्लिक तो हो गया और फिर उस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि जब वो इशू पॉपअप करके टेबल पर एजेंडे के तौर पर मीटिंग में नहीं आता बाजार में कॉरिडोर में ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता है लेकिन आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा घर में सबको पता है लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप रिजॉल्व कीजिए कि जो वजह बन रही है काज ऑफ कंफ्लिक्ट इज इट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इट ए मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ज इट अस इन्फॉर्मेशन इज इट द इश्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन तो पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए ना कि इस शख्स ने इस खातून ने इस मैनेजर ने इस कुलीक ने इस आपके साथ काम करने वाले ने आपके बॉस ने वो भी कुछ फरिश्ता तो नहीं है ना वो भी इंसान है उसके भी अपने ऑब्जेक्टिव हैं आपके अपने ऑब्जेक्टिव है हम लर्न ये करना चाह रहे हैं कि इस कंपिटेटिव मार्केट और एडवांटेजियस और रैशनल और इकोनॉमिक ओरिएंटेड दुनिया के अंदर हमें रहना है और रहना इस तरह से है कि हम एक का बेहतर तो यह एक विन सिचुएशन हो तो अगर पीपल फोकस नहीं है तो इज इट एन इशू फोकस हां यह तौर पर वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर जहां रिलेशनशिप्स बहुत कम है घर में भी नहीं है दफ्तर में भी नहीं है मार्केट में भी नहीं है मुझे कहने दीजिए कोई किसी का दोस्त नहीं है रिश्तेदारी भी ये सब अंटी अंकल यही होते हैं ईस्ट में एशिया में वेस्ट में जरा कंपैरेटिवली कम होते हैं तो वहां क्या इश्यू हो सकता है कंफ्लिक्ट का वेल इट्स एन इश्यू फोकस गोल्स अचीव नहीं हुए You are not able to meet the targets. This is what we decided a year ago, quarter ago. You were made responsible. You have not come to the expectation of the responsibility. You were able, rather, you were authorized to inform the stakeholders, the shareholders, the investors at proper time. You were supposed to be. Responsible to inform the board before you make the decision. You did not. Different level. Hai na. Head of the department, hai, head of the country, hai, head of the region, hai. corporate sector, ko, corporate headquarters, ko inform Karnatha because you were responsible. How the goals were achieved, you were not able to do. Front line. Pe आपने अभी ज्वाइन किया है एम किया है आप एग्जेक्टिव हैं ऑफिसर हैं एच ऑफिसर हैं मार्केटिंग ऑफिसर हैं सेल्स हैं ब्रांड में हैं, फाइनेंस में हैं बैंक में हैं इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो द इशू इज यू फेल्ड टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसोर्सेज का इश्यू है आपके साथ जिस क्लीग ने ज्वाइन किया उसको तो गाड़ी मिल गई मोटरसाइकिल मिल गया उसको तो सौ लीटर पर एन बेनिफिट भी दे दिया गया मोबाइल फोन मिल गया मोबाइल फोन का पर मंथ कुछ चार्ज मिल गया वेरियस इश्यूज, ऑफिस में आ, उसको आपने लैपटॉप दे दिया मुझे आपने डेस्कटॉप दिया सीध इश्यूज, रिसोर्सेज रिसोर्सेस तो खास तौर पर वेस्ट में देर इज ऑफ कंफ्लिक्ट इवन ऑफिस स्पेस के ऊपर भी कंफ्लिक्ट होता है पाकिस्तान में भी होता है तो रिसोर्सेज कुड बी अनदर इशू व्हाट आर द कंडीशंस द जॉब कंडीशन द मार्केट कंडीशन दफिस कंडीशन उसमें टेम्परेचर का भी इशू हो सकता है उसमें टाइम का भी इशू हो सकता है उसमें मुख्तलिफ इशूज हो सकते हैं तो काइंडली नंबर वन रिजोल्व कीजिएगा कि इन दिस कॉन्फ्लिक्ट इज इट ए पीपल फोकस और इज इट इन इश्यू फोकस देन हमने लर्न किया था कि सोर्सेज के परस्पेक्टिव में ये तो फोकस हो गया ना अब सोर्सेज के परस्पेक्टिव में इज इट ए पर्सनल डिफरेंसिस वैल्यू सिस्टम बिलीफ सिस्टम इज इट एन डेफिशंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स ज इट दैट यूर नॉट कंपेटेबल विथ यूर रोल कंडीशन इज इट दिन विच यूर वर्किंग इज इंडसिंग स्ट्रेस विच इज बिकमिंग द कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट ठीक है ये हमने रिकॉल कर लिया ये रिफ्रेश कर लिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब उससे आगे हम देखना चाह रहे हैं अच्छा आप सबने वो पंद्रह जो स्टेटमेंट थी हमने कहा था हर स्टेटमेंट को आप स्कोर देंगे स्केल वाज वन टू फाइव राइट आपके सामने अब स्कोर होना चाहिए हम उसकी एनालिसिस करेंगे हम आपसे शेयर करेंगे कि इस कंफ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए इस वक्त आप क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं क्या बेहतर स्ट्रेटजी है उससे कोई एक रेसिपी तो नहीं होगी फिर मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस तो पंद्रह जो स्टेटमेंट्स हैं अगर आपने अभी नहीं की तो यहीं रुक जाइए उन तमाम पंद्रह की पंद्रह स्टेटमेंट्स का स्कोर आपके सामने होना चाहिए अगर वो स्कोर नहीं है तो फिर डिस्कशन सेशन में फर्दर प्रोग्रेस के चांसेस लर्निंग के परस्पेक्टिव में कम होंगे स्कोर है सबके पास स्टेटमेंट वन टू फिफ्टी अब उनको हम डिवाइड करेंगे उन स्टेटमेंट्स को आंसर देते हुए आपने अपने आप को वन टू फाइव के स्केल पर अपने आप को एक स्कोर दिया है तो अगर आपने वन टू फाइव पर स्केल वन टू फाइव के स्केल पर स्कोर दिया है तो अब हम इन स्टेटमेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं पांच कंपोनेंट्स में और ये वो पांच वेल नोन स्ट्रेटजीज़ हैं जो दुनिया भर में लोग यूज करते हैं कंफ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए और उन्हीं में से आप भी एक यूज कर रहे होंगे लेकिन अभी तक तो आपको नहीं मालूम कि उस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है एंड इज इट ए गुड वन और नॉट सो गुड वन और इज देयर ए बेटर चॉइस ठीक है तो आप रेडी हैं फिर स्कोर अपने सामने रख लीजिएगा सबसे पहले तो जो पांच स्ट्रेटेजीज हम लर्न करने जा रहे हैं कंफ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए रिजोल्व करने के लिए ये एक मॉडल है जो हमें बता रहा है कि वट इज कोऑपरेटिवनेस एंड वट इज असर्टिवनेस वाई एक्सिस पर अनअसर्टिव से असर्टिव का स्केल है एक्स एक्सिस पर अनकोऑपरेटिव बिहेवियर से कॉपरेटिव बिहेवियर के दो एक्सट्रीम्स है इसकी डिटेल हम बाद में देखते हैं लेकिन ये पांच स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं अवॉइडिंग स्ट्रेटजीज़, फोर्सिंग स्ट्रेटजीज़, कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेटजीज़, कलेबोरेटिंग स्ट्रेटजीज़ एंड अकोमोडेटिंग स्ट्रेटजी ठीक है इसकी तफसील हम बाद में देखते हैं लेकिन सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट नंबर वन सिक्स और इलेवन मैं रिपीट करता हूं स्टेटमेंट नंबर वन सिक्स और इलेवन इनका स्कोर कर लीजिए टोटल ये जो टोटल आपका स्कोर है स्टेटमेंट नंबर वन सिक्स और इलेवन का ये आपकी फोर्सिंग स्ट्रेटजी का स्कोर है स्टेटमेंट नंबर टू स्टेटमेंट नंबर सेवन और स्टेटमेंट नंबर ट्वेल्व इन तीनों का स्कोर कर लीजिए लाजी बात है पंद्रह में से होगा ना सबका तीन स्टेटमेंट हैं स्केल है वन टू फाइव तो टोटल फिफ्टीन होंगे अब फिफ्टीन में से आपका स्कोर क्या है आप ही ने दिया है ना और आप ही को पता है आपने किसी को सबमिट तो नहीं करना ना यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ दैट्स वाई यू विल लर्न वट स्ट्रेटेजी यू आर यूजिंग नाउ एंड वट इज द बेटर चॉइस इसका जो स्कोर है उसको हम नाम दे रहे हैं अकोमोडेटिंग स्ट्रेटेजी ये गोया आपका अकोमोडेटिंग स्ट्रेटेजी के परस्पेक्टिव में एक स्कोर आया है पहला था फोर्सिंग स्टेटमेंट नंबर वन सिक्स एंड इलेवन ये स्टेटमेंट नंबर टू सेवन एंड ट्वेल्व तीसरा ग्रुप है स्टेटमेंट नंबर थ्री एट एंड थर्टीन स्टेटमेंट नंबर थ्री एट एंड थर्टीन इसका टोटल कर लीजिए ये आपका स्कोर है कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेटजी का तीसरी स्ट्रेटजी आ गई कंप्रोमाइजिंग चौथा स्कोर आपका निकलेगा जब आप टोटल करेंगे स्टेटमेंट नंबर फोर स्टेटमेंट नंबर नाइन और स्टेटमेंट नंबर फोरटीन नंबर फोर नंबर नाइन नंबर फोर्टीन टोटल कर लीजिए पंद्रह में से क्या स्कोर निकला यह स्कोर है आपका अवॉइडिंग स्ट्रेटजी का पांचवा जो स्कोर आपका निकलेगा वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट नंबर फाइव स्टेटमेंट नंबर टेन और स्टेटमेंट नंबर फिफ्टीन नंबर फाइव नंबर टेन नंबर फिफ्टीन इन तीनों का टोटल कर लीजिए दिस विल बी द स्कोर फॉर कलेबरेटिंग और इंटीग्रेटिंग स्ट्रैटेजी ठीक है आपके पास पांच स्कोर आ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोिफ्टीन स्टेटमेंट्स। हमने कहा था पहला ग्रुप बना फोर्सिंग स्ट्रैटेजी पर उसके बाद एक अवॉइडिंग स्ट्रैटेजी है एक कंप्रोमाइजिंग स्ट्रैटेजी है एक अकोमोडेटिंग स्ट्रैटेजी है और एक कलेबरेटिंग और इंटीग्रेटिंग स्ट्रैटेजी है ठीक है अब आप मुझे ये बताइए कि स्कोर आपके पास आ गए जो हाईएस्ट स्कोर आपको जहां पर आया है पंद्रह में से हाईएस्ट उसको सर्कल कर लीजिए दिस इज योर डोमिनेंट स्टाइल ऑफ डीलिंग विथ कंफ्लिक्ट हमने सिर्फ स्टेटमेंट आपसे पूछी थी ना आपने उनका आंसर दिया कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ तो जो जहां हाइएस्ट स्कोर आया है उसको सर्कल कर लीजिए दिस इज योर डोमिनेंट स्ट्रेटेजी ऑफ डीलिंग विथ कंफ्लिक्ट सेकेंड हाइएस्ट उसको भी स्कोर सर्कल कर, कर लीजिए ये आपका सेकेंड बेस्ट स्ट्रेटजी का स्टाइल है कंफ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर डील करने के अच्छा अभी हम ये नहीं कह रहे इज इट गुड इज इट नॉट सो गुड इज इट बैड वर इज इट और वट आर द चॉस अभी तो हमने आपके सामने इन पंद्रह स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर पांच ग्रुप्स बनाकर हम लर्न ये करना चाह रहे हैं आर यू यूजिंग फोर्सिंग स्ट्रैटेजी अच्छा जरा नोट कीजिएगा कि स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रही है बड़ी फोर्सफुल स्टेटमेंट है इसी तरह से उसके साथ बाकी जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो देखिए क्या कह रही हैं आपको दिस इज हाउ आई एम डूइंग थिंग्स व्हेन देयर इज एन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट फोर्सिंग अवॉइडिंग अकोमोडेटिंग कंप्रोमाइजिंग कलेबरेटिंग इन पांच में से ही आप जनरली वेन यू आर डीलिंग विद पीपल और वेन यूर डीलिंग विद इशूज यू आर यूजिंग एंड हैंडलिंग एंड मैनेजिंग दीज इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट और हमने यह तय कर लिया कि कन्फ्लिक्ट हमेशा होंगे और फिर यह भी हमने तय किया था कि इनको हमें डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देना लेट इट बी ए फंक्शनल कन्फ्लिक्ट मैं आपसे शेयर करूं कन्फ्लिक्ट नहीं होते वी आर सिक्स पीपल एट होम तो एस एम ई के परस्पेक्टिव में छह लोग जो है लेस देन टेन एक स्मॉल कंपनी हो गई ना सिक्स पीपल एट होम फैमिली इट्स अ स्मॉल कंपनी इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन राइट आउट ऑफ दी सिक्स सबके सब मास्टर डिग्री होल्डर हैं तीन बेटे एक बेटी एवरी वन ऑफ देम इज अ मास्टर डिग्री होल्डर अब आप इंफॉर्मेशन ऐड करते चले जाइए देन थ्री सनस दे आर इन टू द डॉक्टर प्रोग्राम दे आर कंप्लीटिंग देयर पी एच डी वन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड द डॉटर हैज ऑल्सो कंप्लीटेड एम बी आई अब एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर लीजिए They are from some of the best, they got their degree from some of the best educational institutions. See, this is how people behave and put their information and representations and statements, looking at the relationships and looking at the issues. These issues are And here I am dealing with all these people at home. And what do you think conflicts hoge? definitely there are and i have to choose one of these five strategies to keep the family together to let it be in the making position not in the breaking position choice to na? either you can make it or break it so it's very important और मैंने जो आपके सामने सिचुएशन रखी है ऑल ऑफ देम मास्टर डिग्री होल्डर फ्रॉम यू नो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज टू ऑफ देम फ्रॉम स्टेट्स वन ऑफ देम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फोर्थ वन फ्रॉम मलेशिया आई मीन यू नो माई सेल्फ ऑल्सो पी एच डी फ्रॉम यूएस तब आप मुझे बताइए फिर अब घर में इश्यूज क्या नहीं होते होंगे यस आर Let's say, let me take you one more example. Share with you with, with, with one more example with you. This is same at home, same in the office. All what we are learning is, let us try to find a strategy which could give you the outcomes, the win-win situation. They're studying in United States. They completed their masters. They're working there.

Within Pakistani families, now the question is should I use a forcing strategy? Should I use an accommodating strategy? Compromising strategy? So, no strategy na. Liye, mera bhi stake hai na, as, a, as a father, as a parent, as a CEO of the family, I also. You know, like to enjoy the marriage of my sons, accomplishment of their careers, and at the same time, I like to have a link developed that they can keep on coming back. Or, i my belief is, you may differ with me, and I know you can differ. My son can differ. My daughter can differ, and I give this right to them. मेरा बिलीफ है गौर से सुनिएगा मेरा बिलीफ है कि पाकिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है बिलीव मी यहां सब दुबई बन सकता है इफ यू हैव अ विल यू कैन फाइंड योर वे दिस इज माई बिलीफ यू मे अग्री विद मी यू मे डिस अग्री मी सो देन वेन देर इज ए कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन टू रिजॉल्व What kind of strategy one should use? We have a choice of five. And believe me, the kind of strategy you use will decide in the long run. Would you keep the family together or would it break? It's, it's, it's not good for everyone. in the long run, to Alhamdulillah. So far, so good. We talked. I issue? Marriage of the two sons. We talked hours and hours and hours. Get the full information, have a dialogue, listen to the arguments, develop a consensus, and move on.

उसका अपना बिलीफ है तो इन तमाम वेरिएशन के दरमियान कंफ्लिक्ट मैं इसलिए कहता हूं इनएविटेबल है बट द क्वेश्चन इज हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट तो आपने पांच जो स्ट्रेटेजीज हैं इन्हीं में से आपने चूज करनी है तो आपने सर्कल किया आप कौन सी हाईएस्ट स्कोर की जो स्ट्रेटेजी है वो आप मेनली यूज करते हैं और सेकंड हाईएस्ट जो स्कोर है वो आप सेकंड ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज करते हैं ठीक है कीप दिस कोर विद यू आपने उसको सर्कल कर लिया अब हम लर्न करना चाहते हैं व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव वट कुड बी ए सिचुएशन वट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू कैन यूज थिंग्स कुड बी बेटर सबसे पहले तो लर्न कीजिएगा कि ये जो हम कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए पांच किस्म की स्ट्रेटजीज की हम बात कर रहे हैं उनकी अपनी डिटेल क्या है उनके अपने रिजल्ट्स क्या हैं लेकिन डेफिनेटली एक्स एक्सिस पर जब हम अनकोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव के स्केल पर चीजों को देख रहे हैं तो आप मुझे खुद बताइए कि अगर अवॉइडिंग और फोर्सिंग स्ट्रेटजी का हाईएस्ट स्कोर आपका आया है और वो है यहां पर अनकोऑपरेटिव बिहेवियर द वर्ड अनकोऑपरेटिव इट सेल्फ इज टेलिंग यू समथिंग इसी तरह से अनअसर्टिव फ यूर टॉकिंग ऑफ अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी सो इन वर्ड इट्स अन असर्टिव एंड अनकोपरेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर होता है मेरा भी हो सकता है आपका भी हो सकता है बॉस का भी हो सकता है कुलीग का भी हो सकता है आपके फ्रेंड का भी हो सकता है एसोसिएट का भी हो सकता है आपके पियर का भी हो सकता है आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है मैं आपसे एग्री करता हूं बट प्लीज वी एर लर्निंग हेयर if it's an avoiding strategy, avoid the issue, avoid the person, avoid the perception, avoid the expectation. it's an unassertive and uncooperative behavior. Mm -hmm. forcing it. now, forcing is assertive behavior, but uncooperative. i is detail learned. you revisit it कि वो जो आपका मैक्सिमम स्कोर आया इज इट गुड फॉर यू यू मेक ए डिसियन मुझे कुछ नहीं कहना है देखिए मुझे तो सिर्फ इतना आपसे शेयर करना है कि माशाल्लाह इन चार ग्रोन अप मेच्योर एमबीएस राद रसम पी घर में इन अफराध के साथ आपका क्या ख्याल है कंफ्लिक्ट नहीं होता होगा यस देर एज और फिर वो तो मैंने ऐड ही नहीं किया कि जब इन बच्चों का खास तौर पर बच्ची का बेटी का मां से कंफ्लिक्ट ज्यादा होता है बेटों का वालिद से कंफ्लिक्ट ज्यादा होता है नोट कीजिएगा स्टेटमेंट को एंड इफ इट इज देन हाउ आर यू गोइंग टू डील विद व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी और फिर अगर मदर ऐसी है जो आगे से कहे हाँ ठीक है मैं भी दस साल अमेरिका में रही हूं मै शी वॉज विदीएच डी सो इट्स इट्स ए वेरी सैंपल एग्जाम्पल बाई इट सेल्फ ऑफ ए स्मॉल कंपनी सिक्स पीपल लिविंग टूगेदर टू रिजोल्व एंड रिजोल्व इन अ वे वेन द कन्फ्लिक्ट आर देयर और हमने कहा कंफ्लिक्ट तो होते हैं होंगे एक्सपेक्ट कीजिए हां ये लर्न कीजिए कि कैसे इनको बेहतर तरीके पर किया जा सकता है फोर्सिंग स्ट्रेटेजी माई डियर स्टूडेंट्स फोर्सिंग स्ट्रैटेजी अगर आप इस मॉडल को सामने रखते तो हमें यह बता रही है कि इट इज असर्टिव बट अनकोऑपरेटिव वट इज दैट मीन दैट मीन इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट वट यू आर टेलिंग द अदर इज आई विल डू इट माई वे आई फोर्स माई आर्ग्यूमेंट रिकॉल कीजिएगा वो स्टेटमेंट्स जो मैंने आपसे शुरू में कही थी कि फोर्सिंग स्ट्रेटजी में वो कौन सी तीन स्टेटमेंट्स हैं स्टेटमेंट नंबर वन स्टेटमेंट नंबर सिक्स और स्टेटमेंट नंबर इलेवन अब आप उनको रीड कीजिए वो यही कह रही होंगी माई वे और नो वे इन अदर वर्ड्स इन ऑफिस एट होम आई वॉन्ट टू यूज माई फॉर्मल अथॉरिटी ऑन द फादर इन दिस हाउस एन द बॉस एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन द मैनेजर हियर फॉर्मल अथॉरिटी ठीक है यह तो है आपके मैं कहा करता हूं आपकी टेबल और आपके दरवाजे पर भी लिखी हुई है जो आपकी पोजिशन है और अथॉरिटी है क्या आपको बताने की जरूरत है यूजिंग फॉर्मल अथॉरिटी यूजिंग फिजिकल थ्रेट्स वो जो कल मैं बात कर रहा था लास्ट सेशन में मगिंग हर्डिंग ब्रूजिंग फिजिकल थ्रेड्स ये सब फोर्सिंग स्ट्रेटेजी का बिहेवियर है मैनुपुलेशन अब मैनुपलेशन देख लीजिए उसके बहुत सारे तरीके हैं कि हाउ कैन यू मैन्युपलेट थ्रू इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन हाउ कैन यू मैन्युपुलेट थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन हाउ कैन यू मैनुपलेट थ्रू लाइंग थ्रू चीटिंग Through uh, many different means, you know. When you focus on the ends of achieving your objective, solving this conflict your way, not his way or her way, then you will manipulate. Or, this physical threat, yeah, when you say, I have मेरे पास बहुत अथॉरिटी है इट्स ऑल और बाय इग्नोरिंग द क्लेम्स ऑफ द अदर पार्टी आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे आप उस एम्प्लॉइज की उस कुलीग की उस फ्रेंड की उसकी किसी बात को वजन ही नहीं दे रहे यू आर इग्नोरिंग द अदर पार्टी तो कंफ्लिक्ट तो होगा और इस कंफ्लिक्ट को आप कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं आप में से जिन स्टूडेंट्स का स्कोर हाईएस्ट फोर्सिंग की कैटेगरी में आया है आप कहना ये चाह रहे हैं दूसरे को आई डोंट केयर इग्नोरिंग द क्लेम ऑफ द अदर पार्टी ना मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं अगेन लुकिंग फ्रॉम द बुक्स लुकिंग फ्रॉम द लिटरेचर एंड लुकिंग फ्रॉम द कल्चर्स अभी मैं कल्चर की भी बात करता हूं हो सकता है कि उस कल्चर में भी बहुत सारी चीजें हम स्कूल से मार्केट से दोस्तों से फैमिली से मोहल्लों में देहातों में शहरों में मीडिया पर अखबारों में वहां से सीखते हैं बट सिंस वी नो नाउ माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स लर्न व्हाट्स अ बेटर वे आपने पढ़ा होगा ना जो जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है फॉर एवरी फोर्सफुल एक्शन देर इज ऑलवेज एन अपोजिट एंड इक्वल फोर्सफुल रिएक्शन तो फोर्सिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं फोर्सिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है कि मेरी पर्सनैलिटी यह है कि आम द बॉस आम द फादर आम द हेड माई वे नो वे सो वी विल डू इट माई वे आपने कुछ कहा नहीं लेकिन आपने सब कुछ कह दिया यू हैव ए सेल्फ सेंटर्ड डरशिप स्टाइल यू अपियर डेमोक्रेटिक बट यू आर मैनुपलेटिव हाँ आप सुन रहे हैं दूसरों की बात लेकिन बात तो आप अपनी ही कर रहे हैं यू अपियर डेमोक्रेटिक ये बिहेवियर है ना और ऐसे अगर आपको बॉस या कुलीग या फ्रेंड्स या पीयर्स या लीडर्स नजर आए तो नेक्स्ट टाइम सोचिएगा और बाय द वे अगर आपका भी स्कोर ये हाईएस्ट निकला है तो बुरा ना मनाइएगा इसका मतलब ये है कि यू अपीयर डेमोक्रेटिक बट यू आर मैनुपलेटिव एज ए मैनेजर और एज ए लीडर और एज ए पर्सन और एज ए ब्रदर और एज ए सिस्टर विलेट मी शेयर विद यू माय डियर स्टूडेंट इट ब्रीड्स रिजेंटमेंट एंड इट लोअर्स दुरैल इसका यह नतीजा तो होगा ऑफकोर्स सम में एडमायर दिस अथॉरिटेटिव एंड मैनुपलेटिव स्टाइल मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे बहुत सारे मैकेवेलियन आपको नजर आएंगे दे लव टू बी अथॉरिटेटिव दे लव टू बी मैनुपलेटिव और फिर इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं यू नो कंपिटेटिव एडवांटेज यू पैरिशदर्स प्रोडक्ट्स कंपनीज कट छोट कंपिटिशन ठीक है ना तो फिर ये बिहेवियर तो फिर लोगों के दरमियान भी डेवलप हो जाता है ना यूर हाईली इकोनॉमिक ओरिएंटेड पर्सनैलिटी मैनिपलेटिव पर्सनैलिटी ठीक है इफ दिस इज़ द इट इज बट प्लीज कीप इन माइंड, इन द लॉन्ग रन इट ब्रीड रिजेंटमेंट वो जिन लोगों पर आपने हुकूमत की होती है जब आप कुर्सी से उतरते हैं एक, एक वक्त है ना जब आपके पास वो स्टार्स नहीं होते जब आप सुपर एनोवेट हो जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वेरी नेक्स्ट डे वेन यू बिकम सिक्सटी कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं मिलता कोई सलाम करने वाला भी नहीं मिलता वो ठीक है ये भी एक रिजेंटमेंट का तरीका है बट दिस मैनेजमेंट स्टाइल माई डियर स्टूडेंट प्रोड्यूस इज अ बैकलैश इन द लॉन्ग रन ये बैकलैश ही है ना अभी तक तो आप चीफ एग्जैक्यूटिव थे मैनेजिंग डायरेक्टर थे सेक्रेटरी थे आपके दरवाजे के सामने से किसी को गुजरने की मजाल नहीं थी वो कहते ना पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता था हाँ भाई नहीं हिलता होगा बट ना यूर सिक्सटी सुपर एनुएएट और मैंने ऐसे भी देखे हैं फिर ब्यूरोक्रेट्स के फिर घर में भी कोई उनकी नहीं सुनता इसलिए कब तो आप रिटायर हो गए ना तो इन द लॉन्ग रन इट प्रोड्यूसिस A backlash, because people become unwilling to absorb anymore. I cannot take it, and there is an emotional cost. Okay, shared that, a culture-related issue too, and culture is a very important factor you can't ignore. Gender-related issue bhi hai. Culture or gender be conflict management or conflict resolution ke saath, directly. Iska रिलेशनशिप है मिसाल के तौर पर इसी किताब में से हम ये लर्न कर रहे हैं और ये अमेरिकन प्रोफेसर जिन्होंने ये किताब लिखी है वीटन कैमरून प्रोफेसर वीटन प्रोफेसर कैमरून वही कह रहे हैं कि अमेरिकन कल्चर और साउथ अफ्रीकन कल्चर इज अ फोर्सिंग कल्चर माई वे और नो वे आई विल मैनुप्लेट एंड आई विल यू नो डू वट एवर इट इज रिक्वायर्ड टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव कल्चर है सो लेट एस लर्न देन if this is the way you are dealing and that is the kind of culture there is maybe you're doing a phd with an american professor in an american university or in south africa or you're dealing with a business in some companies please keep this in mind or culture is a very important area being an mba you should learn when you're dealing with chinese managers companies when you're dealing with middle eastern and arabian companies वट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वट इज द इंपोर्टेंस ऑफ डीलिंग विद कंफ्लिक्ट चाइना में साल साल लग जाते हैं वो आपको अपने दिल की बात ही नहीं बताते हैं। और जब वो दिल की बात बताते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमारी दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है बट इट टेक्स इर्स बिफोर द कम अपेटमेंट उसके मुकाबले में अमेरिकन कल्चर है वो लेट्स डाउन लेट्स रिजोल्व Let's make a decision in one hour, or in two hours, or over lunch. And especially, those of you who are IT people, you jante know that the dot-com bubble burst. It was the background that managers, American managers, they were having lunch with one company, they were having dinner with the second company. See the shift? Within a few hours, they will switch from company one, to two, to three, to four. Because the focus is on समथिंग विच इज फोर्सिंग ने टू मेक एंड यूज ए फोर्सिंग स्ट्रैटेजी लेट्स मूव टू दैटेजी अवॉइडिंग स्ट्रैटेजी आप में से जिन स्टूडेंट्स का यह स्कोर हाइएस्ट आया सेकेंड हाइएस्ट है तो अवॉइडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि यू आर यूजिंग ए स्ट्रैटेजी विज इज अनकोऑपरेटिव एंड अनिव आंखें बंद कर लो सुना होगा ना आपने शुतरमर्ग शुतर मुर्ख दुश्मन को आते देखता हुआ रेत में अपनी गर्दन छुपा लेता है कहता है, मैं भी दुश्मन को नहीं देख रहा दुश्मन भी मुझे नहीं देख रहा होगा तो स्ट्रेटजी तो है ना अवॉइडिंग स्ट्रेटजी, अवॉइडिंग हैविंग टू डील विद कंफ्लिक्ट निगलेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट तो है ना आप आगे बंद कर रहे हैं आप कहें हो ही जाएगा कुछ ना कुछ भाई कैसे हो जाएगा इट इज यूज बाई पीपल और मैनेजर्स हु आर इमोशनली इल दे आर पुअरली ट्रेन काइंडली अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाइए नो यू हैव टू डील विद पीपल इन द मार्केट कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स सप्लायर्स बॉसेस फ्रेंड्स कुलीग्स मेल फीमेल अब तो फीमेल का एक आ, बहुत ही रीजनेबल नंबर है वी आर हैप्पी टू सी देम वर्किंग इन द दफिस जेंडर का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है कंफ्लिक्ट को मैनेज करने के परस्पेक्टिव में सो आर इमोशनली इल प्रिपेयर अच्छा देखिए इमोशंस तो है ना इंटरपर्सनल बात कर रहे हैं ना क्या दिल नहीं है लोगों के पास सबके पास है लेकिन उस इमो दिल हार्ट इज सोर्स ऑफ इमोशन फीलिंग्स इसीलिए अभी हमने जो पढ़ा ना कि अमेरिकन कल्चर जनरली दे स्पीक एटलीस्ट आई रिमेंबर इन द सेवेंटीज They would say, Rashid, keep your heart at home. We don't need it. Give us the brain. But now they have come to realize, after competition with the Japanese products and services, that customer a heart. And this social media has proved that how emotions and the feelings of the customers and the competitors and the loyalty and trust towards the company how does it help to raise the brand? Let's develop a system, CRM, relationship. Let's develop a system of service, relationship marketing. Coming back to solving the interpersonal conflict, what we are talking here is that if they are poorly trained, so they will not be able to take the confrontation and they will not be able to resolve the conflict. They will avoid.

र्न हाउ टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट बिकॉज दीज आर टू पार्टीज वन इज यू एंड द अदर वन इज द अदर पर्सन ये दो रियल एंटिटीज हैं इन इश्यूज को आप शेल्फ नहीं कर सकते तीसरी स्ट्रेटेजी क्या है कंप्रोमाइजिंग कंप्रोमाइजिंग एन इज इंटरमीडिएट बिट्वीन असर्टिवनेस एंड कोऑपरेटिवनेस समल मॉडल को भी आप देखिए On one side you have the avoiding and forcing, on the other extreme, you have the collaborating and accommodating. In the middle is compromising. This that you reach an agreement quickly and you attempt to gain partial solution. Partial solution, you can call half loaf, half way done, okay, something is better than nothing. Halfway done, compromising. Acha is strategy ka ek indiscriminate use jo hai, ye counterproductive bhi ho sakta hai. People will take you weightless, colorless, characterless, styleless. They won't feel your presence. And in the organizations, if you always use a compromising decision making style, इजिंग इश्यू हैंडलिंग स्टाइल इट विल एनकरेज ए क्लाइमेट ऑफ गेम प्लेइंग गेम प्लेंग समझते हैं ना अब गेम प्लेइंग गेम प्ले कर लेगा और फाउल नजर भी नहीं आएगा होता है ना वो फिर आपने देखा होगा कभी वो रेड कार्ड दिखाते हैं कभी वो ऑरेंज दिखाते हैं कभी वो कुछ और दिखाते हैं ए, लोगों के दरमियान जब लोग आपस में खेल रहे होते हैं तो गेम तो चल रही होती है तो अगर ये स्टाइल है आपका और आपका ये हाईएस्ट स्कोर निकला है तो काइंडली नोट कीजिएगा एक आदमी अर्तबा तो ठीक है लेकिन अगर आप इसको बार बार यूज करते हैं तो काउंटर प्रोडक्टिव होगी चौथी स्ट्रेटेजी अकोमोडेटिंग इट्स कॉपरेटिव बट अनअसर्टिव देखिए आपको अपने इंटरेस्ट के लिए असर्टिव होना पड़ता है लेकिन हम लर्न ये कर रहे हैं कि आपके अपने इंटरेस्ट भी जरूरी हैं दूसरों के इंटरेस्ट भी जरूरी है सो वे लुकिंग फॉर ए विन विन सिचुएशन अकोमोडेटिंग इज कोऑपरेटिव बट अनअसर्टिव यू डोंट वांट टू अपसेट द अदर पर्सन पीपल फोकस था ना यू डोंट वांट टू अपसेट वो आपको गलत इतला दे रहा है वो आपको गलत बात गलत स्टेटमेंट दे रहा है बासूकत आपकी कही हुई बात आप ही के चेहरे पे गलत बयान कर रहा है आप कहते हैं मैं अब इसको क्या कहूं ये अपसेट हो जाएगा ये हो जाएगी आप खामोश रहते हैं आप उसको अकोमोडेट कर रहे हैं आप उसकी आदत बना रहे हैं कि कल को फिर वो यही करेगी या करेगा यू सेटिस्फाई अदर्स यू सेटिस्फाई अदर्स वाई आर निगलेक्टिंग वन जोन आपके भी तो अपने कुछ इंटरेस्ट हैं उनको भी आप ही ने वॉच करना है कौन करेगा मैं अमूमन अपने कुलीग्स को दफ्तर में काम करने वालों को यह कहा करता हूं कि आप अगर अपनी सैलरी और बेनिफिट्स के रेस के लिए बात नहीं करेंगे इनफैक्ट यू आर हर्टिंग योर फैमिली ये उनका राइट है कि आपको अपने ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर जो बेनिफिट जो सैलरी जो प्रमोशन जो कुछ मिलना चाहिए उसके बारे में आप बात करें लोग कहते हैं कि जी खुद ही देख लेंगे दूसरे ये इकोनॉमिक वर्ड है इसमें दूसरे देखने वाले बहुत कम हैं आप खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कीजिए प्रेजेंट कीजिए और ये जो अकोमोडेटिंग स्ट्रेटेजी का स्टाइल है इसमें निग्लेक्टिंग फॉर्म्स इंटरेस्ट देखिए आप कंपनी के बिहाफ पर मैं यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर उसके भी इंटरेस्ट है अगर फर्ज कीजिए मैं स्टूडेंट्स की बात सुनकर सबको ए ग्रेड दे के पास कर देता हूं स्टूडेंट का इंटरेस्ट तो वाच हो गया बहुत अच्छा हो गया लेकिन यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट सही नहीं है दैट्स इन्फ्लेशन ऑफ ग्रेड्स, दैट्स अनफेयर तो निग्लेक्टिंग फॉर्म इंटरेस्ट एंड अकोमोडेटिंग द विशेस ऑफ अदर्स मैंने स्टूडेंट प्रोफेसर की बात ले ली सेम इज द केस इन दर्गेनाइजेशन इट जनरली रिजल्ट इन बोथ पार्टीज लूजिंग लोअर सेल्फ एस्टीम इन जनरली रिजल्ट लूजिंग वेट लूजिंग कैरेक्टर लूजिंग एथिक्स सेल्फ स्टीम भी लोअर हो जाती है दूसरे लोग सोचने लगते हैं थोड़ा सा इनको पुश करेंगे ये अकोमोडेट कर लेंगे भाई जरा इनको चाय का कप पिला दो अकोमोडेट कर लेंगे बाजूकात मैंने सुना है फीमेल स्टूडेंट्स मुस्कुरा के दिखा देती हैं टीचर्स को ग्रेड अच्छा मिल जाएगा लेकिन वो प्रोफेसर जो मुस्कुरा कर देखने से लड़कों को तो नंबर नहीं देता और फीमेल स्टूडेंट्स को देता है उस प्रोफेसर का सेल्फ स्टीम और स्टीम स्टूडेंट्स की नजर में लोअर हो रहा होता है अब वी नीड टू लर्न इट्स हार्ड वे यू हैव टू बी फेयर आई हैव टू बी फेयर अदर्स विल टेक एडवांटेज ऑफ यू प्लीज डोंट लेट अदर्स टेक एडवांटेज ऑफ यू अनोइंगली यू आर हर्टिंग आर सेक्रीफाइसिंग योर ओन यस yes. मैं अमूमन कहा करता हूं मेरी स्टेटमेंट गौर से सुनिएगा चालीस साल का मुझे भी तजर्बा हो गया बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स प्रोफेसर डीन्स वाइस चांसलर्स मैनेजर्स अमरीका ऑस्ट्रेलिया यू नो मिडल ईस्ट पाकिस्तान मलेशिया श्रीलंका सिंगापुर हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ा है मैं अमूमन कहा करता हूं मेरे सामने टेबल पर मेरी मर्जी से उठा लीजिए आई वोट माइंड बट इफ यू लाइक टू Take away behind the table, under the table, I can kick you. So please notice. Donoy lesson is kyander. Or akri strategy kya hai collaborating. Panchvi strategy, collaborating. It's cooperative as well as assertive. I'm here to watch my interest. I will also watch your interest. Solving the problems together. We will address fully the concerns of both parties. We will work in a problem-solving mode i take care of your problem you better listen to my issues intent is to find solution to the cause of the conflict which should be satisfactory to both cooperative and assertive we want to be satisfactory to both rather than to find or fault rather than to find a fault or assign a blame to a person we are focusing the causes of the conflict and at the end of the day, both parties will win. But my dear students, it may not be ideal for all situations. But it is beneficial effect. Its beneficial effect for both parties are many. So, in other words, focus of dispute is on the problems and issues rather than on personalities. Effective problem solvers will feel as if they are empowered. Assertive. पावर्ड इट वर्क बेस्ट वेन देर इज ए पॉजिटिव एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन इज ओपन एंड इंफॉर्मेशन इज डायरेक्ट पांच स्ट्रेटजीज है आपका जो स्कोर हाइएस्ट निकला देखिए कौन सा है स्ट्रैटेजीज आपने अब लर्न कर ली ये अगर स्ट्रेटजी आपके साथ चल रही है अब आप देखिए यह स्ट्रैटी आपको क्या बता रही है शुड यू लाइक टू चेंज Would you like to retrain? Would you like to modify the behavior so that at the end of the day, we are here to make sure that I also win, you also win? So, we will learn then out of these five strategies how can we focus on solving the problems rather than hitting the personalities? How can we focus on light rather than heat? because when there will be light, you can see, i can see, all can see, and light can guide. and light can also come from idea. so, my dear students, reevaluate your stance, your stand. talk to yourself. see, how can you do things better? and protect your life, protect your career, protect your behavior, protect your character. it's in my hand, it's in your hand thank you and thank you very much and i'll see you inshallah in the next session assalamu alaikum